हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे। सो स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी की हनी ड्यू बुक का जो थर्ड लेसन है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। सो जो जो थर्ड लेसन है वो है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्सेस मीन्स झलक, पास्ट मीन्स बीता हुआ टाइम या इतिहास। तो उस इतिहास की, उस बीते हुए समय की झलक आपको, आप लोगों को इस लेसन में मिलेगी। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। इससे पहले कि हम लोग पढ़ें, बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स में आपको झलकें मिली हुई हैं, झलकी दिखेंगी। पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स, पिक्चर के फॉर्म में ग्लिम्सेस, झलक ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास, कंट्री का, जो आपके देश का जो इतिहास है, फ्रॉम 1757 से 1857 तक की, जो आपको इसमें कुछ झलकियाँ हैं वो आपको नजर आएंगी इस लेसन में, ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट में। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। अब ये जो पिक्चर्स हैं, दीज पिक्चर्स, ये पिक्चर्स और ये जो स्पीच बबल्स हैं, स्पीच बबल्स मीन्स कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, जो ये एक बॉक्स बना हुआ है, एक बबल बना हुआ है, उसके अंदर कुछ जो स्पीच लिखी हुई है उसको स्पीच बबल कहते हैं। जैसे आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो कॉमिक्स में भी आपको स्पीच बबल्स में ही कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। जब कैरेक्टर्स कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं तो उसको स्पीच बबल्स के अंदर लिखा रहता है कॉमिक्स में। तो यहाँ पर जो इन पिक्चरों में और स्पीच बबल्स में, जो ये पिक्चर्स हैं और ये जो स्पीच बबल्स हैं, हेल्प करेंगी क्लेरिफाई करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी समझ को क्लियर करेंगी। किस लिए? ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू, वो कंडीशंस, वो जो परिस्थितियां थी जो कि लेके गई, दैट लेड टू द इवेंट, उस घटना पे लेके गई नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जिसको जाना जाता है पहली लड़ाई आजादी की 1857 में। तो ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो स्पीच बबल्स हैं, वो आपको क्लियर करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी समझ को, कि क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या ऐसी कंडीशंस रही होंगी जो कि लेके गई थी वो इवेंट पे, वो आजादी की लड़ाई पे जो कि 1857 में हुई थी, पहली लड़ाई आजादी की, द मार्टर्स। अब यहाँ मार्टर्स जो है शहीदों को कहते हैं, जो शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए लड़ते लड़ते, जो मर जाते हैं तो उनको मार्टर्स बोलते हैं, शहीद। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, अब यहाँ पर कोई फंक्शन है, कोई उत्सव है दिल्ली में, मे बी इंडिपेंडेंस के बाद, जब आज़ादी मिल गई होगी, तो उसके बाद की ये पिक्चर है जहाँ पर नेहरू जी दिख रहे हैं पिक्चर में, शास्त्री जी हैं और इंदिरा गांधी जी बैठी हुई हैं। और यहाँ पर जो लेडी हैं, ये बहुत फेमस लेडी हैं इंडिया की, बहुत ही फेमस सिंगर हैं, ये लता मंगेशकर जी हैं। तो ये जो है यहाँ माइक पे कुछ कागज इन्होंने लिया हुआ है और ये यहाँ पर स्पीच बबल में देखते हैं क्या लिखा है। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइज ऑफ इंडियाज मार्टर्स। तो यहाँ ये वो बहुत ही फेमस गाना है जो आपने अक्सर रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे आपने सुना होगा, बजता रहता है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यहाँ ये वो गाना है जो लता जी गा रही हैं और यहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं, पब्लिक भी बैठी हुई है और ये उसको गाने को सुन रहे हैं। मे बी ये उसके, ये आजादी के, जब आजादी मिल गई है उसके बाद का ये ग्लिम्स है। तो और इसके नीचे जो पिक्चर बनी हुई है, उसमें उसमें भी बहुत से जो मार्टर्स हैं, जो
शहीद भी हो गए और जो लोग बाद में भी रहे भी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनकी पिक्चर्स यहाँ बनी हुई हैं। यहाँ ये ढेर सारी कुछ पब्लिक दिख रही है जिसमें रानी लक्ष्मी बाई हैं, यहाँ पर ये रानी लक्ष्मी बाई हैं, ये बहादुर शाह जफर है, नेहरू जी जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जो आजाद इंडिया था, जो फ्री इंडिया था, उसके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू जी थे, तो वो हैं। फिर यहाँ गांधी जी हैं जिनको हम लोग बापू कहते हैं। फिर ये सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह, यहाँ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हैं, और ये हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक है। तो यहाँ ये सब फ्रीडम फाइटर्स की एक ग्लिम्स दी हुई है, एक झलक दी हुई है इसमें, जो पास्ट के फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली। अब यहाँ से शुरू होता है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। अब यहाँ जो पहला लिखा हुआ है कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849, अब ये जो ये सन लिखे हुए हैं ये कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी की जीत, कॉन्क्वेस्ट मीन्स जीत, तो ये कंपनी, ये कौन सी कंपनी की जीत की बात हो रही है यहाँ? तो ये वो कंपनी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसका नाम है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो यहाँ पर ये का नाम कंपनी इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर इंडिया में बेसिकली जो उन लोग यहाँ आए थे तो वो एक कंपनी फॉर्म करने आए थे, उन लोग मर्चेंट्स बन के आए थे, उन लोग यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, यहाँ उन लोग बिजनेस करने आए थे, बिजनेस स्टैब्लिश करने आए थे इंडिया में। तो उन लोग जो है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम कंपनी है। अब यहाँ पर लिखा है विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अपने सुपीरियर वेपन्स के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी जो है वो बढ़ा रही थी अपनी पावर को 18th सेंचुरी इंडिया में। तो सुपीरियर वेपन से मतलब है कि यहाँ पर जो हथियार हैं उनकी तो बात हुई है कि जो सुपीरियर वेपन्स थे उनके पास तो हथियार तो थे ही उनके पास, साथ में उनके पास कुछ ऐसी पावर थी, उन लोग जो है उस एजुकेटेड थे बहुत ज़्यादा, और उन लोग जो है बहुत विटी थे, उन लोग की के पास बहुत ही प्लान्स थे, स्ट्रेटजीज थी, तो वो सब ये सुपीरियर पावर वेपन्स में ही आते हैं। तो वो यहाँ पर इंडिया में जब आए थे तो वो जो है इस सुपीरियर वेपन्स के थ्रू जो है वो बहुत ही बढ़ते जा रहे थे 18th सेंचुरी इंडिया में, ये इंडिया इन 1765। अब यहाँ पर जो इंडिया था 1765 में वो ये था, जहाँ पर इंडियन प्रिंसेस जो येलो वाला पार्ट है वो सारे इंडियन प्रिंसेस का है, ये सारे जो इंडिया के जो राजा थे उस समय के ये उनका प्लेस है, और जो ब्रिटिश टेरिटरी है, जो ब्रिटिश क्षेत्र है वो बस ये पिंक कलर वाला है जो थोड़ा सा है। तो ये नाइन 1765 का है, और जब 18th सेंचुरी हुई थी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपना पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही थी अपने सुपीरियर वेपन्स के साथ। जो वेपन्स उसके जो थे वो तो मीन्स कि वो वेपन्स जो हथियार थे वो तो थे ही, साथ में जो उनकी प्लानिंग स्ट्रेटजी प्लॉटिंग थी वो सारी भी वेपन्स वो यूज़ कर रहे थे उस इंडिया को कंट्रोल में लेने के लिए। इंडियन प्रिंसेस वो शॉर्ट साइटेड, अब जो प्रिंसेस थे इंडिया के वो शॉर्ट साइटेड थे, वो ज़्यादा दूर की नहीं सोचते थे, बस वो जो उस समय जो चल रहा है बस वो उसी पे ही ध्यान देते थे, वो आगे का नहीं सोचते थे कि आगे जो वो अभी कर रहे हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर जो एक किंग है वो बोल रहे हैं दैट अपस्टार्ट राजा बहार। अब अपस्टार्ट मीन्स होता है जिसको नया नया कोई पद मिला हो, कोई पोजीशन मिली हो जिसकी वजह से उसके अंदर घमंड आ गया हो। तो यहाँ पर ये किंग बोल रहे हैं दैट अपस्टार्ट राजा बहार कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स। अब यहाँ पर वो बोला आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उन इंग्लिश जो अंग्रेज जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, उन लोगों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मेरी मदद करेंगे इसको हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अब जो वहाँ के लोग थे वहाँ पर जरा सी भी पीस नहीं थी, शांति नहीं थी, ऐसी ही लड़ाई झगड़ों की वजह से, जो ये लगातार लड़ाई झगड़े राजाओं के बीच में हो रहे थे, जो उन लोग एक दूसरे को नीचा करने के लिए इन मर्चेंट्स की मदद ले रहे थे,
इन इंग्लिश मैन की मर्चेंट्स की इन अंग्रेज व्यापारियों की मदद ले रहे थे जो उनकी कंट्री में एक व्यापार करने आए थे, जो एक कंपनी स्टैब्लिश करने आए थे. तो वो जो प्रिंस थे, जो किंग्स थे, वो इतने शॉर्ट साइटेड थे कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने ही लोगों को डिफीट हराने के लिए इन मर्चेंट्स की सहायता ले रहे हैं. तो इन लोग जो है आगे चल के और पावरफुल हो जाएंगे और हम लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और इन लोग फिर और आगे क्या कर सकते हैं. तो वो शॉर्ट साइटेड थे, उनको ये आगे की नहीं फिकर थी. वो उस वक्त की जो उनकी लड़ाई चल रही थी, जो उन लोग की आपस की राइवलरी थी, उन लोग उन मर्चेंट्स को बुला के, उन व्यापारियों को बुला के उन लोगों से ये सब मदद लेते थे लड़ाई झगड़े में हेल्प करने के लिए. तो उसकी वजह से क्या हुआ, द राइवलरीज हेल्प द इंडिया द ईस्ट इंडियन कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. अब उसकी जो किंग्स थे, जो प्रिंसेस थे, उनकी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से क्या हुआ, जो राइवलरीज थी उन लोगों के बीच में, जो उन लोगों के बीच में राइवलरीज मीन्स कि कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे को पीछे करके अपने को आगे बढ़ाना, जो उन लोगों के की राइवलरीज थी, उसने मदद करी ईस्ट इंडिया कंपनी की. और उन लोग ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने क्या किया, उन लोगों ने बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से उन लोगों ने उनको सबड्यू कर लिया, इंडियन प्रिंसेस को, जो इंडिया के प्रिंसेस थे उन लोगों को सबड्यू कर लिया, उन लोग को अपने अधीन कर लिया, उन लोग को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया एक एक करके, उन लोग की इस राइवलरी की वजह से, किंग्स और प्रिंसेस की. अ फार सींग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग. अब यहाँ पर जो एक किंग थे, जो एक ब्रेव किंग थे मैसूर के, तो उन्होंने क्या किया, ये टीपू सुल्तान है तो ये अफार सींग, वो बहुत ही दूर की सोचते थे, वो जो वहाँ के रूलर थे तो वो बहुत ही ज्यादा शासक थे, रूलर मीन्स शासक होता है, तो वो फार सींग थे, वो बहुत ही दूर की सोचते थे. तो उनको दिख गया था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं. तो वो बहुत ही बहादुर थे, वो बहुत ही ब्रेव थे, उन्होंने उन लोगों से लड़ाई लड़ी, और जब वो लड़ाई हुई तो उसमें जो है वो उनकी डेथ हो गई, वो लड़ते लड़ते उन लोगों से मर गए आखिरी में. अब ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी, ये जो ब्रिटिशर्स जो है, जो लोग प्रिंसेस को लड़ रहे थे, प्रिंसेस को हटा रहे थे कि करके उनको सबड्यू कर रहे थे, उनको अपने अधीन में, अपने कंट्रोल में कर ले रहे थे, और जो जैसे ब्रेव भी, जो बहुत ही ब्रेव, जैसे कुछ वहाँ पर किंग्स थे, जैसे उनमें से एक थे टीपू सुल्तान, तो इस तरीके के किंग्स को भी उन लोगों ने मार दिया था. तो इस पे लोगों का क्या राय थी इस चीज पे, तो आगे हम लोग देखते हैं हाउ डिड इंडियन रिएक्ट्स टू दिस कॉन्क्वेस्ट. अभी जो जीत थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जीत थी, जो उन लोग सारे किंग्स को मार रहे थे और बाकियों को अंडर कंट्रोल अपने अधीन कर ले रहे थे, तो ये उस पे लोगों ने, वहाँ के जो इंडियंस थे तब के, उन लोगों की क्या रिएक्शंस थे. तो यहाँ पर है, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स. अब यहाँ पर जो एक है वो कह रहे हैं कि गॉड का शुक्रिया, अब कंट्री में पीस है, अब शांति है, और यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, और चोरी भी नहीं हो रही है, और ना लूट हो रही है ठग्स के द्वारा. इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश. अब यहाँ पर जो ये किंग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये भगवान ही है जिन्होंने इन ब्रिटिश को यहाँ पर भेजा है. आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम. हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारा भाग है, वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो दूसरे वाले हैं वो ये कह रहे हैं. फिर यहाँ पर जो ये पिक्चर है, ये पिक्टोरियल ग्लिम्स है, इसमें है जो इसमें लोग बात कर रहे हैं वो है द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड अ किंग्स. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो गोरे लोग हैं उन लोगों ने मार दिया है, हमारे राजाओं को मार दिया है और उनको गद्दी से उतार दिया है. सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड. यहाँ एक कह रहे हैं कि कुछ जो राजा थे वो अच्छे नहीं थे, बट आखिरी में अगर वो थे तो इसी कंट्री के, वो तो यहीं के ही थे, इन लोग तो बाहर के हैं. तो वो ये बात समझ रहे थे कि जो किंग्स थे वो अच्छे नहीं थे, वो लड़ते थे, माना कि उस समय के किंग्स, मगर वो फिर भी इस लैंड के थे. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स. और उनमें से एक कह रहा है कि अब हम लोग यहाँ पर स्लेव्स हो गए, अब हम लोग गुलाम बन गए हैं फॉरनर्स के. तो इस तरीके के वहां पर लोगों के रिएक्शंस थे जब कंपनी ने कॉन्क्वेस्ट किया. नाउ थर्ड है ब्रिटिश रूल.
ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836 तक ब्रिटिश रूल हो गया था। रिलीजियस मतलब ब्रिटिश का शासन हो गया था। रिलीजियस लीडर्स प्रीस्ट इंडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो धर्म के गुरु थे, तो वो जो है प्रचार कर रहे थे, कैसे आइडियाज को, कैसे विचारों का वो प्रचार कर रहे थे, अनटचेबिलिटी का, चाइल्ड मैरिज का, अनटचेबिलिटी का वो प्रचार कर रहे थे। अनटचेबिलिटी मीन्स कि जो नीचे के धर्म के लोग थे, उन लोग जो है, उन लोग साथ में बैठ नहीं सकते हैं, उन लोग खा नहीं सकते हैं साथ में बैठ के, और उन लोग को पानी नहीं पी सकते हैं एक कुएं से, या फिर उन लोग को मंदिर में नहीं जा एंट्री मिल सकती है। और यहाँ पर चाइल्ड मैरिज के लिए भी इन लोग बोलते थे, रिलीजियस लीडर्स, कि बचपन में ही शादी कर देनी चाहिए बच्चों की, लड़कों, लड़के लड़कियों की। एनी वन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। अब जो ये एक बाबा बैठे हुए हैं, रिलीजियस लीडर हैं, जो वो कह रहे हैं कि जो यहाँ से क्रॉस करके जाएगा, जो समुद्र पार करके जाएगा, वो अपनी कंट्री को लूज कर देगा, वो अपने रिलीजन को लूज कर देगा, कंट्री नहीं सॉरी, वो अपने रिलीजन को लूज कर देगा, वो अपने धर्म को से हट जाएगा, लूज कर देगा, छोड़ देगा धर्म को, वो उसका धर्म छूट जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वेमेन। यहाँ पर एक बोल रहे हैं कि सारी जो मिजरी है, सारी जो परेशानियां हैं, वो जो वर्ल्ड में है, वो किस लिए है, वो वेमेन की वजह से है, वो औरतों की वजह से है। शायद इसीलिए औरतों की जो है वो, मतलब चाइल्ड मैरिज के लिए उन लोग जोर देते थे कि औरतों की वजह से परेशानियां हैं, तो जल्दी औरतों को की शादी कर दो, तो वेमेन की अगर शादी हो जाएगी जल्दी, तो वो मे बी सोसाइटी में कुछ अपना जो है ना, एजुकेशन में वो आगे होंगी, और ना वो किसी चीज़ में, वो सिर्फ घर में ही रहेंगी और घर में अपना खाना बनाना, बच्चों को पालना और ये सब काम करेंगी। तो इसीलिए उन लोग उस समय के लोग ये सब और वुमेन के लिए उन लोग जोर देते थे। द ट्रूथ इज दैट इंडियंस हैव लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। और जो सच्चाई क्या थी, वो ये थी कि जो इंडियंस थे, उनकी ये जो सोच थी और ये सब जो उनकी थिंकिंग थी, उसकी वजह से वो जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने उनकी, अब उनके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी, मतलब वो आत्मसम्मान, वो सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे। तो ब्रिटिश जो थे वो उसको, उनको स्कॉर्न करते थे, वो उनकी, उनके ऊपर हंसते थे, वो उनका मजाक उड़ाते थे, वो मॉक करते थे। यहाँ पर एक ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश हैं जो बैठे हुए हैं, ब्रिटिशर, वो बोल रहे हैं द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो अनवर्दी हैं, वो योग्य नहीं है ट्रस्ट के, वो भरोसे के योग्य नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो अयोग्य हैं, वो इनकेपेबल हैं, वो इनकेपेबल हैं ऑनेस्टी के, वो योग्य नहीं है ऑनेस्टी के, वो सच्चे नहीं है, वो डिसऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पर ये एक ब्रिटिशर हैं जो ये बात बोल रहे हैं, मे भी अपने सीनियर से, या कि वहां पर ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक इंडियन है वो कह रहे हैं ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, हाँ ये बात सच है कि इंडियन जो है अनवर्दी हैं ट्रस्ट के, उन लोग के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उन लोग ऑनेस्ट नहीं है, उन लोग सच्चे नहीं है, बट मैं हूँ, बट आई एम ऑनेस्ट, मैं सच्चा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके का उस समय सिनेरियो था, इस तरीके के वहाँ पर कंडीशन थी कि वहाँ जो इंडियन लोग थे वही हाथ जोड़ के, और ब्रिटिशर्स से जो उनकी कंट्री में आके रूल कर रहे थे, तो वो वहाँ के उस समय के लोग उनसे ही इस तरीके से बोलते थे। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड। अब क्योंकि वो मर्चेंट थे, ब्रिटिशर्स जो आए थे वो मर्चेंट बन के आए थे, वो व्यापारी बन के आए थे, तो व्यापार करने आए थे, तो वो जो है ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते थे कि उनका जल्दी जल्दी फायदा हो, उनको जल्दी जल्दी प्रॉफिट हो, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, बहुत ज्यादा टैक्स फोर्स कर दिए थे उन फार्मर्स के ऊपर, मतलब उन लोगों को मजबूर कर दिया था फार्मर्स को, कि उन लोग जो है अपनी जो है जमीन है, जो उन लोगों के खेत थे, वो उन लोग छोड़ दें। इतने उन लोगों ने हैवी टैक्स लगा दिए थे, उस जिसकी वजह से वो फोर्स्ड हो गए थे, वो मजबूर हो गए थे अपने फील्ड्स को छोड़ने के लिए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब यहाँ पर एक फार्मर है जो इस ब्रिटिश मैन से बोल रहे हैं
इस ब्रिटिश मैन से बोल रहा है कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, कि तुम्हारे सारे जो आदमी है वो मेरे सारे फसल लिए जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। ये कह रहे हैं जो ब्रिटिश ब्रिटिशर है, वो बोल रहे हैं कि तुम जो है अभी भी एरियर्स में हो, मीन्स एरियर्स मीन्स तुम्हारा अभी भी बकाया बाकी है, तुम अभी भी डेट में हो, तुम्हारा अभी भी कर्जा है, तुम कर्जदार हो। तो इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अदा नहीं करते हो अगले हफ्ते तक, तो मैं तुमको जेल भेज दूंगा। यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन थी कि जो इंडियंस थे, इंडियन फार्मर्स थे, उनको किस तरीके से उनके ऊपर क्रुएल्टी की जा रही थी, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो फोर्स हो रहे थे अपनी लैंड को छोड़ने के लिए, अपनी फील्ड्स को छोड़ने के लिए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और इसके बाद भी ब्रिटिश ने जो है कुछ और इन्वेंट किए, कुछ और तरीके खोजे जिससे उनको और फायदा हो। द गुड्स मैनुफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी विच ब्रॉट इन टू इंडिया। जो गुड्स हैं, जो सामान हैं, जो कि मैनुफैक्चर्ड हो रहे थे इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड से बन के यहाँ इंडिया में आते थे, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। उसके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। जैसे जब इंडिया के अंदर कोई भी सामान बाहर से आता है किसी दूसरी कंट्री से, तो उसके ऊपर कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, कुछ टैक्स लगता है। तो इन लोगों ने उस समय ये जो गुड सामान था जो इन लोगों ने इंडिया में वहाँ से इंग्लैंड से ला रहे थे, तो उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी उन लोगों ने वो सब हटा दी थी। जब वो उसको यहाँ लेके आ गया, गुड आइडिया। और ये जो दूसरा इंसान खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब क्योंकि उन लोगों ने इस तरीके के रूल कर दिए थे, क्योंकि ये जो सारी कंट्रीज के रूल होते हैं कि जब बाहर से कोई सामान आता है तो उसके ऊपर कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, चाहे इंडिया से बाहर जाए या वहां से यहाँ आए। तो जब इंडिया से बाहर जाता है तो वहां की कंट्री इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है, और जब वहां से यहाँ आता है तो यहाँ पर इंडिया में इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। तो इस तरीके से बिजनेस होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड में जो सामान बन के यहाँ आ रहा था तो उससे इम्पोर्ट ड्यूटी ही हटा दी। तो जो इंडियन के जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉस थे, जो उनके ये कानून थे जो वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे, क्योंकि वो मर्चेंट्स बन के आए थे, तो वो अपने जल्दी जल्दी प्रॉफिट करना चाह रहे थे, जल्दी जल्दी वो फायदा करने चाह रहे थे। तो वो उसकी वजह से जो उनके जो ये लॉस थे, जो उनके नियम ये कानून थे, उसने क्रिपल कर दिया, उसने एकदम बेकार कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन इंडस्ट्री को, उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसने एकदम मतलब ऐसे जैसे कोई किसी को एकदम क्रिपल कर देना, जैसे किसी के हाथ पैर एकदम काट देना, इस तरीके से उन लोगों ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जो इंडियन का उद्योग था। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग या व्यापार जो था वो पूरा खराब कर दिया था ईस्ट इंडियन कंपनी ने। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज मीन्स कि जैसे जो नियम थे, जो उन्होंने नियम लगाए हुए थे, जो उनकी नीतियाँ थी, उन्होंने पूरी तरह से रूइन कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। जो एक्सपर्ट थे, जो कुशल कारीगर थे, आर्टिजन मीन्स कारीगर थे, जो कुशल कारीगर थे उन लोगों को और उन लोगों के बिजनेसेस को बर्बाद करके रख दिया था। उन लोग की ये जो सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए उन लोग ने जो ये रूल्स लगाए थे, जो नियम लगाए थे, उसको पूरी तरह से सब बर्बाद कर दिया था। राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राम मोहन रॉय अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग विद द कंट्री। अब जो राम मोहन रॉय थे वो एक बहुत ही ज्यादा ज्ञानी, लर्नेड मीन्स बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान, जो जिसने जिसने बहुत ज्ञान जिसने जिसके पास हो, जो वो जानता हो, तो वो बंगाल के थे। वो समझ गए कि उनकी कंट्री के साथ वहाँ पर क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आर सेल्व्स, उन्होंने कहा कि हम लोग को अपने को कम नहीं समझना चाहिए, अपने को नीचा नहीं समझना चाहिए। एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारी जो एंशियंट जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पुराना कल्चर है, वो बहुत ही महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम लोग और भी ज़्यादा योग्य हैं, इससे ज़्यादा हम लोग योग्य हैं अचीव करने के, चीज़ें बनाने के, हासिल करने के। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अ सोसाइटी, बट हम लोग को सबसे पहले अपनी कंट्री को रिफॉर्म करना होगा, सुधार करना होगा।
रिफॉर्मिंग, सुधार करना होगा अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को. सुपरस्टिशंस हैव बीन रूनिंग अस. और जो सुपरस्टिशंस हैं, सुपरस्टिशंस मीन्स अंधविश्वास हैं. जो भी हम लोगों ने देखा था ना, रिलीजियस लीडर्स थे जो प्रीच कर रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे ऐसे थॉट्स का, तो उस टाइप के जो सुपरस्टिशंस थे, तो उन्होंने, राम मोहन रॉय यही बोल रहे हैं कि सुपरस्टिशंस जो हैं वो हमारे जो सोसाइटी है उसको बर्बाद करते हुए आ रहे हैं. सो सेकंड जो पिक्टोरियल ग्लिम्स है वो है, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. अब वो यहाँ राम मोहन रॉय अपनी वाइफ के साथ हैं और वो बोल रहे हैं, अब अपनी वाइफ से कह रहे हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. अब वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो काउज हैं, जो गायें हैं, वो अलग अलग कलर्स की होती हैं. कोई वाइट ब्लैक ग्रीन, वाइट ब्लैक ब्राउन होती है, तीन मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं. बट जो उनका मिल्क होता है तो वो वाइट ही होता है, वो सेम होता है. तो वैसे ही डिफरेंट टीचर्स होते हैं, अलग अलग टीचर्स होती हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियंस होती हैं, उनकी अलग अलग राय होती हैं, बट जो एसेंस होता है हर सारे रिलीजन का वो सेम होता है. वो रिलीजन जो एक चीज़ है वो एक ही भगवान को मानना सिखाता है. वो यही सिखाता है कि किसी के साथ बुरा नहीं करो, सबके ऊपर सबके साथ अच्छे से रहो, दया करो. तो जो एसेंस होता है वो सारे रिलीजन का एक ही होता है, उनका ये मानना था. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. अब वो जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, बहुत अट्रैक्टेड थे किससे, साइंस से, विज्ञान से, और मॉडर्न नॉलेज से, आधुनिक ज्ञान से. उनको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. उनका मानना था कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसका यूज़ किया जा सके, जिसको ये नहीं कि सिर्फ किताब में पढ़ के और बंद करके रख दिया, उसको हम लोग प्रैक्टिस में लेके आए, उसको हम लोग प्रैक्टिकल बनाए, यूज करें. और साइंटिफिक मीन्स कि लॉजिकल हो, जो तर्कसंगत हो, जो हम लोग को तर्कसंगत करना सिखाए कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है. तो वो साइंटिफिकली और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए. ही स्टार्टेड न्यूज पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया था, एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, बट जो ब्रिटिश थे वो सस्पिशियस थे, वो शक्की थे, वो डाउट कर रहे थे और कि ये पेपर उनका जो है राममोहन रॉय का कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे. तो वो उन्होंने इस पेपर को स्टॉप कर दिया था 1823 में. ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर. ही टोल्ड देम. वहाँ वो जो है उन्होंने सी क्रॉस करी और वो वहाँ ऐसे इंग्लैंड गए ये देखने के लिए कि जो ब्रिटिश हैं उन लोग कैसे इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, वो कैसे इतने शक्तिशाली हो गए. वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं. वहाँ पर उन्होंने, राम मोहन रॉय ने ब्रिटिशर्स से कहा कि हम लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं एज अ रूलर, शासन शासक की तरह हम लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं. बट यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स. बट तुमको भी हम लोग, बट आप लोगों को भी हमको एक्सेप्ट, स्वीकार करना चाहिए एज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स मीन्स जो कि किसी के अधीन है, जो किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी के अधीन है. तो बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर उन्होंने कहा, बट यू मस्ट, तुमको जो है अवश्य ही रिमेम्बर, याद रखनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ. अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट मीन्स कि जो रूलर है, जो शासक है, वो ओज करता है. या ओज टू मीन्स कि अगर किसी ने तुमको कुछ माना है या कुछ दिया है तो उसके बदले तुम उसके लिए क्या कर रहे हो. तो यहाँ पर है कि तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग ने तुमको शासन शासक मारा है, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम भी जो है हम लोगों को सब्जेक्ट मानो, हम लोग को क्यों ये समझो कि हम लोग तुम्हारे अधीन है. तो मतलब मे बी उनका ये मतलब था कि हम लोग के या लोगों के साथ क्रुएल्टी नहीं करो, उन लोग के साथ जो ऐसे गलत सलत लॉज नहीं लगाओ, इस तरीके से उन लोग के साथ ना करो, उन लोग के साथ अच्छे से, मतलब जैसे एक इंसान जो है एक दूसरे इंसान के साथ करता है वैसे ही उनको भी ट्रीटमेंट दो अपने सब्जेक्ट्स को. तो यहाँ पर शायद में उनका यही मतलब होगा राम मोहन रॉय का, कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें. ऑपरेशन, अत्याचार या क्रुएल्टी. ऑपरेशन मीन्स 1765 टू 1835. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ओप्रेस इंडियंस.
बट जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने जारी रखा, उन्होंने कंटिन्यू रखा ऑप्रेस करना, क्रुएल्टी करना, अत्याचार करना इंडियंस पे. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, और 1818 में उन्होंने एक एक रेगुलेशन पास किया. रेगुलेशन मींस एक नियम या एक कानून बनाया उन्होंने. तो उन्होंने वो कानून और नियम बनाया, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. और उसके तहत ये बात रखी गई कि कोई भी इंडियन को जेल हो जाएगी सीधे सीधे, और उसका ट्रायल कोर्ट में नहीं होगा. ट्रायल कोर्ट में मतलब जब ट्रायल मींस होता है कि जब कोर्ट में दो वकील जो है लड़ते हैं, बहस करते हैं, और फिर फैसला होता है, आखिरी में जज फैसला करते हैं. तो इस तरीके से कुछ भी ट्रायल नहीं होगा और उनको सीधे सीधे जेल जाना पड़ेगा. ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस. अब जो इंडिया में जो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो हर समय जो है मोटी मोटी सैलरीज उठा रहे थे, तनख्वाह उठा रहे थे, और उन लोग अपने जो प्राइवेट उनका बिजनेस था, सरकारी बिजनेस के साथ साथ उनके जो खुद के बिजनेसेस थे उसमें भी वो बहुत पैसा कमा रहे थे. बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. अब 1829 तक जो ब्रिटेन था उसने जो है एक्सपोर्ट कर दिया था, उसने निर्यात कर दिया था ब्रिटिश गुड्स. ब्रिटिश के बने हुए जो जो सामान था वो उसका वर्थ 7 करोड़, कितने वर्थ का, 7 करोड़ रुपीज़, 7 करोड़ रुपए का उसने ब्रिटिश ब्रिटिश सामान जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया था, कर चुका था 1829 तक. द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई. अब जो ब्रिटिश था वो प्रॉस्पर कर रहा था, वो तरक्की कर रहा था, वो आगे बढ़ रहे थे, उन लोग तरक्की कर रहे थे अपनी जो कंपनी थी उसकी लूट पे. और जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जो इंडियन उद्योग थे, जो इंडियन व्यापार थे वो शुरू हो रहे थे, वो एक एक करके ख़त्म हो रहे थे, वो डाई हो मर रहे थे, वो एकदम ख़त्म हो रहे थे. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. और जो गवर्नर जनरल थे, जनरल बेंटिक थे, उन्होंने अपने जो है घर में रिपोर्ट की, अपने घर में मीन्स कि वहाँ अपने इंग्लैंड में उन्होंने रिपोर्ट किया, और उन्होंने बोला द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. अब यहाँ उनका मतलब था कि वो जो कॉटन वीवर्स हैं वो जो है फोर्स्ड हैं, दे आर फोर्स्ड टू स्टार्व, दे वर फोर्स्ड टू स्टार्व बिकॉज ऑफ द कॉटन मिल एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश. तो वहाँ पर जो कॉटन मिल्स थी जो लगा दी गई थी ब्रिटिश लोगों के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, तो उसकी वजह से जो कॉटन वीवर्स थे उनके काम ठप हो गए थे, उनके काम बंद हो गए थे, और वो स्टाफ कर रहे थे, वो भूखों मर रहे थे. तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. यहाँ पर ब्लीच से मतलब है कि जैसे जब ब्लीच करो तो वो उसके ऊपर जो प्रोसेस होता है उससे जो उसका असली रूप होता है, जो असली चीज़ होती है, वो एक और दूसरे रूप दूसरा फॉर्म ले लेती है, दूसरी उसमें चेंज हो जाती है. वैसे ही यहाँ पर जो बोन्स थी कॉटन वीवर्स की वो भी चेंज हो गई थी, वो भी चेंज हो रही थी वो प्लेन्स ऑफ इंडिया में, धरती इंडिया की धरती पे वो जो कॉटन वीवर्स की जो बोन्स थी वो भी ब्लीच हो रही थी, वो भी बदल रही थी, क्योंकि वो इतना स्टाफ कर रहे थे, वो भूखों मर रहे थे वहाँ पर. डिससेटिस्फेक्शन मीन्स कि असंतोष या नाराज. एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम मकॉले सजेस्टेड अ चेंज. अब एजुकेशन जो अब तक थी 1835 से 56 तक जो डिससेटिस्फेक्शन है, तो 35 तक जो एजुकेशन थी वो पर्शियन में और संस्कृत में थी. तो 1835 में एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था मैकॉले, उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने सुझाव दिया एक चेंज का, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. और उन्होंने बोला कि हम लोग को
यहाँ के जो नेटिव्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। आई अग्री। और उनके जो यहाँ सीनियर बैठे हुए हैं वो कहते हैं हाँ मैं इससे सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। अब जो इंग्लिश एजुकेशन थी तो उस एजुकेशन एजुकेशन ने, उस शिक्षा ने प्रोड्यूस किए, उत्पन्न किए क्लर्क्स को, जिनको जो है जो ब्रिटिश थे वो अपने अंडर में जॉब्स दे देते थे, जो अपने से कम, अपने से नीचे जॉब्स दे देते थे। पेटी पेटी जॉब्स मीन्स कि कम, बहुत ही छोटी मोटी जॉब्स दे देते थे अपने अंडर में। इंसिडेंटली सहयोग से क्या हुआ, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब सहयोग से ये हुआ कि वहाँ ये जो ये एजुकेशन थी, इंग्लिश एजुकेशन थी, उसने प्रोड्यूस किया, उसने उत्पन्न किया एक न्यू जनरेशन, एक न्यू पीढ़ी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की। इंटेलेक्चुअल्स मीन्स वो बुद्धिमान, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग जो अपने दिमाग को यूज़ करें और बुद्धिमानी से अपने डिसीजंस लें। तो ऐसे ज्ञानियों को भी ऐसी एजुकेशन ने इस न्यू जनरेशन में प्रोड्यूस किया। तो ये जो एजुकेशन से जो ये लोग इंटेलेक्चुअल्स हुए, तो वो उनकी सोच किस तरीके से चेंज हुई, तो लेट्स सी। वी मस्ट एजुकेट अ ब्रदर्स। अब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो उन लोग कह रहे हैं कि वी मस्ट, उनमें से एक कह रहा है वी मस्ट एजुकेट अ ब्रदर्स, कि हम लोग को अवश्य ही अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। और जो दूसरे वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को उनकी जो भौतिक कंडीशन है, जो की दशा है, जो उसमें सुधार करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जो उनकी नीड्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे, इसके लिए हमको हमको बताना होगा, कन्वे करना होगा अ ग्रीवियंसेस मीन्स शिकायतें टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमको बताना होगा अपनी शिकायतों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनकी जो जो एजुकेशन थी इंग्लिश एजुकेशन की वजह से, तो जो प्रोड्यूस हुए थे कुछ इंटेलेक्चुअल्स, तो उनकी जो थिंकिंग थी वो इस तरीके की थी। तो वो अपने जो सोसाइटी थी, अपना जो समाज था, अपने जो लोग थे, उन लोग में चेंज लाना चाहते थे। तो इस तरीके से उन लोगों में बदलाव आए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। अब 1856 तक ब्रिटिश ने पूरा जो है, लगभग पूरा इंडिया इंडिया जो है वो जीत लिया था। तो ये जो येलो में है वो स्टेट्स रह गए थे, जो प्रिंसेस के पास, जो किंग्स के पास थे इंडियंस, और जो ब्रिटिश एरिया है वो ये पूरा पिंक में है, ये पूरा हिस्सा जितना पिंक में है वो सारे ब्रिटिश लोगों के अंडर में था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। अब उन लोग जो है, मतलब उन लोग एकदम परवाह नहीं करते थे इंडियन इंडियंस की जो नीड्स थी, जो ज़रूरत थी उनकी, जो उसमें एकदम भी उन लोग उसकी केयर नहीं करते थे, उसकी फिक्र नहीं करते थे। अ किंग्स हैव बिकम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स। अब यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग बात कर रहे हैं, और उन लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो किंग्स हैं, हमारे जो राजा हैं, वो एकदम पपेट, कठपुतली बन गए हैं, और हम लोग ने अपनी जॉब खो दी है। हम लोग जो अपनी पुरानी जो हम लोग की नौकरी थी वो सब हम लोग ने खो दी है। एंड लैंड्स, और एक और ने बोला कि हमने अपनी जो है वो लैंड्स भी खो दी हैं, अपनी जो ज़मीन है वो भी खो दी है। दे आर कन्वर्टिंग अ ब्रदर्स, और उन लोग जो है हमारे जो भाई हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन लोग को कन्वर्ट कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। और एक बोलता है कि तुम लोग से बात करते हो, कुछ ऐसा करो कि उन लोग को, डू समथिंग, कुछ करो कि उन लोग को यहाँ से हम लोग निकाल दें, या उन लोग को यहाँ से हटा दें, भगा दें, या उन लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। द स्पार्क्स 7 जो है स्पार्क्स, 1855 टू 1857। स्पार्क्स मीन्स चिंगारी। दो द टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पेजेंट्स। अब जो टैक्सेस थे, जो कर थे, उन लोगों ने जारी रखा रुइन, बर्बाद करना पेजेंट्स को, फार्मर्स को, किसानों को। इन बंगाल, बंगाल में द सेंथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम डेस्परेट। और जो बंगाल थी जगह, वहाँ पर जो सेंथल्स थे, वो जिन्होंने अपनी जो है लैंड खो दी थी, जिन्होंने अपनी धरती खो दी थी, अंडर इसी रूल के अंडर पे जो नए नए रूल्स लग रहे थे, उन रूल्स के तहत उन लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी थी, वो एकदम डेस्परेट हो गए, वो उन लोग होपलेस हो गए, निराश हो गए,
इन 1855 दे रोज इन रेबिलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और 1855 में उन लोग एकदम इतने ज़्यादा निराश हो गए, इतने उन लोग होपलेस हो गए कि उन लोग ने एक विद्रोह कर दिया, एक रेबेलियन कर दिया उन लोगों ने, और मैसेकर्ड, और उन लोग ने बहुत से लोगों को, मैसेकर्ड मीन्स कि बहुत से लोगों को मार देना, उन लोगों ने बहुत क्रुएल्टी से मतलब लोगों को मार दिया, यूरोपियंस को और उनके सपोर्टर्स को। डिसकंटेंट वॉज ब्रोइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब जो डिसकंटेंट था, जो असंतोष की भावना थी, वो वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भी बढ़ रही थी, उसमें भी हो रही थी। ब्रू मीन्स की वो बढ़ना, ऊपर की तरफ और बढ़ना, तो वो जो है और ज़्यादा बढ़ रही थी इंडियन आर्मी, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि वहाँ पर भी इंडियन सोल्जर्स थे जो उन लोगों ने रखे हुए थे। अब उन लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेट्स सी कि उन लोगों ने क्या क्या बात कर रहे हैं। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशन टू लिव इन, सर्वेंट्स। अब यहाँ एक कह रहे हैं कि जो वाइट सोल्जर्स हैं, जो वाइट गोरे सैनिक हैं, उन लोग को ह्यूज पे मिलती है, उन लोग को बहुत मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, उन लोग के पास मैंशन है, बड़े बड़े घर हैं रहने के लिए, और उन लोग के पास सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं। और ये जो दूसरे बोल रहे हैं, वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हम लोग को बहुत थोड़ा पिटेंस, बहुत ही थोड़ी तनख्वाह सैलरी मिलती है, और बहुत ही स्लो प्रमोशन होता है, बहुत ही धीरे धीरे तरक्की होती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, उनमें से एक कह रहा है कि जो अंग्रेज़ हैं वो हम लोग को बोलते हैं सी क्रॉस करने के लिए, विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन, जो कि हम लोग के रिलीजन के, हम लोग के धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम, कि ये टोपी वाले कौन है कि हम लोग की ये जो एबॉलिश, ख़त्म करें हमारे इतने पुराने, जो इतने पुराने ओल्ड कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको ये ख़त्म कर दें, ये कौन है टोपी वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज़, और उनमें से फिर ये एक सोच रहा है कि हम लोग को अवश्य इन लोगों को ड्राइव आउट कर देना चाहिए, इन अंग्रेज़ों को निकाल देना चाहिए। यहाँ टोपी वाला उन लोग अंग्रेज़ों को बोलते थे, क्योंकि उन लोग वो लॉन्ग लॉन्ग कैप्स रेड कलर की वो पहनते थे, तो उन लोग इंडियंस जो है उन लोग को टोपी वाला ही बोलते होंगे। सपोय मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। अब एक सिपोय मंगल पांडे थे जिन्होंने अटैक किया, जिन्होंने हमला किया अपने एडजटेंट को ऑफ हिज रेजिमेंट, उनकी जो ग्रुप था, जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसको रेजिमेंट कहते हैं, और जो रेजिमेंट था उसके जो सीनियर जो ऑफिसर थे, जो सबसे बड़े ऑफिसर थे, उसको एडजटेंट कहते हैं। तो सब मंगल पांडे ने अटैक, हमला किया उनके ऊपर, तो उसकी वजह से ही एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, और उनको उसकी वजह से कानून की तरफ से, उन ब्रिटिश की तरफ से उनको सज़ा दी गई, उनको पनिश किया गया और उनको मार दिया गया, उनको मारने की, उनको फांसी की सज़ा दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉय रिवोल्टेड, और बहुत से हज़ारों सिपॉय जो थे उन्होंने विद्रोह करा, उन्होंने रिवोल्ट किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उनके यूनिफॉर्म्स उतरवा लिए गए। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनको अपमानित किया गया, उनका अपमान किया गया, और उनको आयरन्स में, उनको जंजीरों में रखा गया। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उन लोगों का, जो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे उन लोगों के साथ, उनने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर किया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड, और बहुत ही कम जो इंग्लिश मैन थे उन लोग जो है परवाह करते थे इंडियंस की और उनके कस्टम्स की और वहाँ के लोगों के माइंड की। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर डू यू नो, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। यहाँ पर जो ये एक सोल्जर हैं ये बता रहे हैं एक ब्राह्मण को कि क्या तुम्हें पता है वो जो ग्रीस है, जो चिकनाई है बुलेट के ऊपर, जो तुमको बाइट करनी होती है, वो बनती है किस चीज़ से? वो फैट से बनती है काउज के और पिग्स के। वॉट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो यहाँ पर इन लोगों को तो ये बात पता नहीं थी, ये ब्राह्मण है और ये मुस्लिम है, तो ये बोल रहे हैं कि जो वाइट मैन है, जो गोरे लोग हैं, उन लोगों ने हमको भी डिसीव किया। डिसीव मीन्स हमको भी धोखा दिया उन लोगों ने। यहाँ डिसीव मीन्स होता है कि द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, उन्होंने हमको भी धोखा दिया है। तो यहाँ पर भी उन लोगों के रिलीजन के खिलाफ जो है, जो चीज़ें हो रही थी, जो ब्रिटिश कर रहे थे, लाइक जो ब्राह्मण्स होते हैं उन लोग काऊ की उन लोग पूजा करते हैं, तो उसको जो है उन लोग उसका फैट यूज़ कर रहे थे बुलेट पे ग्रीस करने के लिए। ऐसे ही जो मुस्लिम्स होते हैं उन लोग
पिक को छूते तक नहीं है, तो वो भी उनके भी रिलीजन के खिलाफ थी ये सब बातें। तो इससे उन लोग और ज़्यादा उसमें आ गए कि इन लोग जो है हम लोग के रिलीजन का भी नहीं का भी इन लोगों ने एकदम मजाक उड़ाया हुआ है, इस तरीके से करा हुआ है। तो इससे भी और ज़्यादा रिवॉल्ट हुआ। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट द एम्परर्स वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज। और सून जल्दी ही क्या हुआ, चपातीज जो है एक विलेज से दूसरे विलेज में जाने लगी, वहाँ के लोगों को बताने के लिए कि जो उनके जो सम्राट हैं उनको जो है उनकी सर्विस चाहिए, वो चाहते हैं कि वो लोग जो है उनके साथ आके उनके लिए लड़ें। तो यहाँ चपातीज मूवमेंट था जो स्टार्ट हो गया था, जिसमें ये होता था कि वो आटे में कुछ रुई आटे में उसको गोंद के उसकी रोटी बना के उसके अंदर कुछ कागज़ रख के मैसेज भेजते थे एक दूसरे को, जिससे उन लोगों को पता चल जाता था एक इंसान दूसरे इंसान को जो रोटी देता था उससे जो है एक से दूसरे को मैसेज पहुंच जाता था कि क्या होने वाला है और कब लड़ाई उन लोग को करनी है। यस, यहाँ पर जो ये हैं, ये जो जेंटलमैन है, ये इनको रोटी दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। ये कह रहे हैं हाँ हम लोग सब लोग तैयार रहेंगे, हमारे सारे विलेज के मैन जो हैं वो तैयार रहेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्क्यूलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। इसी तरह से जो जो वहाँ पर जो वो थी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें जो सोल्जर्स थे इंडियन सोल्जर्स थे, तो उन लोग के पास भी जो है लोटस सर्कुलेट होने लगे कि उन लोग भी इसी कोर्ट कोर्ट वे में लेने लगे कि उन लोग भी जल्दी से जल्दी इन लोग को फॉरेनर्स को यहाँ से भगा देंगे, इन लोग से लड़ लेंगे और उन लोग जो है यहाँ से भाग जाएंगे। तो यहाँ पर द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। अब जो मासेस थी, जो लोग थे, उन लोगों ने सारी हेल्प दी और शेल्टर दिया और रहने की जगह दी पेट्रियट्स को, देशभक्तों को, उन लोगों ने उन लोगों की हेल्प की। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट मीन्स विद्रोह, 1857। अब 1857 आता है और रिवॉल्ट होता है, विद्रोह होता है। देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। और फिर जो है वहाँ पर एक वायलेंट, एक हिंसात्मक, बहुत ही हिंसा वाला आउटब्रेक मीन्स अचानक से कुछ होना, अचानक से लड़ाई हो जाना या वॉर का स्टार्ट हो जाना, वहाँ मेरठ में स्टार्ट हुई। द सिपॉयज मार्च टू दिल्ली। और सिपॉय जो है मार्च किया उन लोगों ने, मार्च करना मीन्स चल के जाना, तो उन लोगों ने मार्च किया दिल्ली तक। लॉन्ग लिव एम्परर बहादुर शाह। और वहाँ पर उन लोगों ने बहादुर शाह जफर के पास जाके वहाँ उनके लिए कहा कि हमारे जो एम्परर हैं बहादुर शाह जफर, उनकी लंबी जिंदगी हो। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। और वो जो विद्रोह था, वो जो विरोध था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। और बहुत से जो लैंड लॉर्ड्स थे उन लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी थी ब्रिटिशर्स की वजह से, उन लोग की पॉलिसीज़, उन लोग की जो नियम थे, कानून थे, उसकी वजह से। और दे वर सोर, और वो बहुत पेन में थे, वो बहुत दर्द में थे, वो भी बहुत दुखी थे अंदर से। यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं उन लोग, द वाइट मैंस रूल्स मस्ट एंड। यहाँ वो कह रहे हैं कि जो गोरे लोग हैं उन लोगों का जो रूल है, उन लोग का जो शासन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू। और यहाँ पर जो लैंड लॉर्ड बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नाइन्थ, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। और जो बहुत सारे फॉर्मर रूलर्स थे, जो शासक थे, बहुत पहले वाले जो शासक थे, उन लोग जिसमें से एक थी बेगम हजरत महल लखनऊ की, वो बहुत बिटर थे, वो बहुत गुस्से में थे, वो बहुत बदले की भावना में थे कि उन लोग को हटा दिया गया है गद्दी से। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। और वो ये कह रही हैं कि जो गोरे लोग हैं उन लोगों ने मेरी जो किंगडम है, जो मेरा राज है, उसको ले लिया। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स। और इसलिए उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया जो अपसर्ज था, जो तेज़ी से बढ़ रहा था। ये जो अपसर्ज होता है, अपसर्ज मीन्स कि तेज़ी से कोई चीज़ का उमड़ना या बढ़ना। तो वो जो अपसर्ज था
एकदम से जो ये उमड़ रहा था, ये लहर जो एकदम से कि अंग्रेज़ों को हटाना है, निकालना है यहाँ से, तो ये जो लहर थी, ये जो बढ़ना था, इसकी जो वृद्धि थी, उसमें जो इस तरीके के जो रूलर्स थे, जो बहुत ही ज़्यादा बिटर थे, उन लोग ने भी उसको ज्वाइन कर लिया ब्रिटिश के अगेंस्ट। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फैज़ाबाद टोल्ड पीपल, और जो पॉपुलर बहुत ही जो मशहूर जो लीडर्स थे जैसे कि मौलवी मौलवी अहमदुल्ला और फैज़ाबाद, उन्होंने लोगों से कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज़ इज़ रूनिंग आ लैंड। उन्होंने कहा, उठो जागो भाइयों, हम जो अंग्रेज़ लोग हैं वो हमारी लैंड को, वो इस धरती को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और जो लोग थे वो सब जगह जो है जाग रहे थे। उन लोग जो है अपनी जो पुरानी सोच है उससे हट के उन लोग देख पा रहे थे, और ये हर जगह हो रहा था, बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में। तो इस तरीके से लोग जो है जाग रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन लोग को पता चल रहा था कि ये जो है किस तरीके से इन लोगों ने आके यहाँ पर क्रुएल्टी करके और अपना बिजनेस जो है चला के अपने को रिच कर रहे हैं। अजीमुल्ला खान टोल्ड तो तातिया तोप, और अजीमुल्ला खान ने तातिया तोप से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उन्होंने कहा कि हम लोग को नाना साहेब, पेशवा नाना साहेब को अपना लीडर बनाना चाहिए इस जो ये इंडिपेंडेंस की, जो ये आज़ादी की लड़ाई है, उसमें हम लोग को उनको नाना साहेब को अपना लीडर बनाना चाहिए। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। जो पेट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, उन लोगों ने एकदम झपट्टा मारा, एकदम उन लोग पीछे पड़ गए जो ब्रिटिश के, और बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में उन लोगों ने पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में पूरी पिच्ड बैटल हुई। पिच्ड बैटल मीन्स कि जहाँ पर टाइम और दिन तय होता है कि इस समय हमको ऐसे जाके वहाँ पर इस तरीके से लड़ाई लड़नी है, तो इस तरीके से पिच्ड बैटल उन लोगों ने ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया लड़ी। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। और जो 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह थे, उनकी जो रिस्ट थी, उनकी जो कलाई थी, उसमें एक बुलेट लग गई। मदर गंगा, दिस इज़ द लास्ट, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो मदर गंगा वो बोट में बैठे हुए हैं, और उनके जो रिस्ट है उसमें बुलेट लगी हुई है, ब्लड जो है सारा जो है ओज आउट हो रहा है, तो वो जो है कह रहे हैं कि मदर गंगा, दिस इज़ माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि ये मेरी आखिरी जो है वो है पेशगी है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, ये मेरी आखिरी ऑफरिंग है आपके लिए। तो ये यहाँ पर ये जो लास्ट सीन था, इसकी जो लास्ट पिक्टोरियल ग्लिम्प्स थी, वो यही थी कि ये जो कुंवर सिंह थे वो जो है ऑफर कर रहे हैं मदर गंगा को अपनी जो है लास्ट भेंट, अपने ब्लड की। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ जो ये लेसन है वो कंप्लीट होता है, वो ख़त्म होता है। सो ये जो है SD सावंत ने, इसके ऑथर हैं। तो आई होप आपको ये जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और आप इसकी जो एक एक लाइन है वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने ये जो लड़ाई थी 1857 से जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जब इंडिया आज़ाद हुआ है 1947 में, उससे बहुत पहले जो ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी 1857 की, जो ये शुरुआत हुई थी लड़ाई की जो रिवॉल्ट के ब्रिटिश के साथ, तो वो जब आके 1947 में ख़त्म हुई है। तो इतनी लंबी लड़ाई हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन लोगों ने लड़ी, जिसमें से बहुत से लोग शहीद हो गए, और बहुत से लोग जो है उन लोगों ने अपने देश के लिए जाने दे दी। तो यहाँ पर ये जो है चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।